There is no knowledge how to dispose their plastic and all the non-biodegradable because our ecosystem is very fragile. भाई फिर यहाँ भी बोलते हैं कि गंगा में सब के भाई कैंप के पास भाई जाओ इकट्ठा करके एक जगह में रखो तो लोग यहाँ पे कैंपिंग करेंगे। बेसिकली है कि जो आ रहा है क्राउड ना दे शुड बी अवेयर कि जो नेचर है उसको एज इट इज प्रिजर्व करें। हम ज्यादातर जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ एक बार आएंगे मेरे ख्याल से लाइफ में ना फिर से कभी मैक्सिमम दो बार मैक्सिमम दो बार आएंगे ना तो वो क्या कर रहे हैं वो आ रहे हैं प्लास्टिक वगैरह वो लिटर करके जा रहे हैं। अब क्या होता है सुबह सुबह हम देख रहे थे गाय कूड़ा खा रही है प्लास्टिक खा रही है। अब नेचर को हम कुछ दे तो सकते नहीं है तो कुछ कर तो सकते हैं उसके लिए पर ट्रैकिंग विद अ पर्पस होना चाहिए। एवरीथिंग बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एक्चुअली वर्कड ऑन इट सो इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। वी मेट ट्रैकर्स वी एक्चुअली इंस्पायर्ड ट्रैकर्स बिकॉज व्हेन दे सॉ अस कलेक्टिंग गार्बेज दे वर टू और थ्री पीपल केम टू अस एंड दे सेड दैट यू गाइस आर रियली मोटिवेटिंग सो इट फेल्ट नाइस एटलीस्ट वी